चंद जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, फूलों सा फूल है मगर गुलाब जैसा नहीं, एक्टर तो बहुत देखे मगर बच्चन साहब जैसा नहीं। बच्चन साहब के लिए आप क्या कहना चाहोगे आपकी तरफ से? मेरी तरफ से मैं बिग बी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनसे एक शिकायत भी करना चाहता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मैंने उनका इंतज़ार किया, उनके दर्शन के लिए आज भी रोड पे खड़ा हूँ, उनके दर्शनों के लिए आज तक कर नहीं पाया, अगर वो सुन रहे हैं तो आज मेरे पे दया करें और दर्शन दें और मेरी लाइफ को सुधारें। बाकी मैं तो यही कहूँगा, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें इंतजार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। बच्चन साहब जी, बच्चन साहब जी हमारे पूरे पूरे हमारे टीम के तरफ से आपको हार्दिक बधाई दे रहे हैं, जन्मदिन मुबारक हो अमित जी। बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अमिताभ जी के लिए उनके 77वें जन्मदिन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी उनके लिए मैं कोल्हापुर से, मैं और मेरा बेटा रोनी चौगले दोनों भी आते हैं और इस साल उनको मैं 77 आइस में बना के उनको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। मैं हर साल मैं उनके लिए यहाँ पे आता हूँ और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। जैसे गए साल मैंने बिग बी बनाया था आइस में और उससे पहले मैं 75 बनाया था। मेरी हर तमन्ना है कि अमिताभ जी को 100 साल की उम्र लगे और 100 साल जिए और हमको ऐसे ही नए नए फिल्मों के बारे में हमारा मनोरंजन करें। हम लोग सूरत से आए हैं, मैं ये मनोज भाई, प्रदेश जी और सब सूरत से आए और हम बच्चन सर के बहुत फैन हैं और पहले भी हम उनसे मिले और मनोज जी ने अपने मुंह से सर का पेंटिंग बनाया, जो बर्थडे उनके बर्थडे के दिन हम उनको गिफ्ट करना चाहते हैं। वो माउथ आर्टिस्ट है, उनके दोनों हाथ नहीं है और माउथ से ही पेंटिंग करते सर। मैं इनकी 77 बर्थडे पर उनको बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ और इससे भी वो आगे बढ़े और हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। मैं देवास से आई हूँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। फिल्म जगत में अमिताभ जी के 50 वर्ष चूँकि पूरे हो चुके हैं तो उसी पे एक छोटा सा मेरा पोएट्री का कलेक्शन है, वही मैं तैयार करके लाई हूँ जो आज उन्हीं के द्वारा इस बुक का विमोचन होना है। मेरे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इतनी बड़ी मैं हो गई लेकिन इतना बड़ा फेस्टिवल मैं कभी नहीं मनाया। दिवाली कुछ नहीं लगेगी इसके लिए, दशहरा कुछ नहीं लगेगा, न्यू ईयर कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है और जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अमिताभ जी को। कितना खास तो इंसान है और फिर भी सीधा साधा है, तेरा रुतबा अगर मैं सोचूं सूरज चांद से ज़्यादा है, यही दुआ है अब इस दिल को, यही हमको कहना है, पैर तुम्हारे धरती पे रहे सर आसमान में रहना है। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे सर, हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर अमिताभ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी बिग बी जी को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि ये फेस्टिवल है हमारे लिए, उनका जन्मदिन और इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और एक बात कहना चाहता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक उनके दर्शन के लिए मैं कोशिश करता रहा हूँ लेकिन आज तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मेरे भगवान के आज दर्शन हो जाएँ इसी ख्वाहिश के लिए यहाँ उनके बंगले के सामने खड़ा हूँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Amit ji,
हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए करोड़ों साल, ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अमिताभ बच्चन फैन एसोसिएशन कोलकाता से आया हूँ। 1979 से अपनी ये संस्था चलती है। लोग अमिताभ बच्चन के नाम में कई तरह के काम करते हैं, लेकिन हम लोग जब से क्लब बनाए हैं, हम लोग ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया था, पहला कैंप था हम लोगों का 1979 में, और तब से लेके आज तक हम लोग अमिताभ बच्चन को आदर्श मान के, उनको अपना आइडल, अपना भगवान मान के, गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी मूर्ति की पूजा करके ये शपथ लिया है कि जो भी सोशल वर्क्स होंगे वो हम लोग करेंगे। पिछले 2015 साल में हम लोगों ने इंडिया गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और धनजन योजना, उस पर उसके प्रचार पे हम लोगों ने काम किया। और अभी अमित जी ने नई मुहिम दे दी है हम लोगों को, प्लास्टिक रहित भारत, प्लास्टिक मुक्त भारत। हम सभी को आज के दिन ये शपथ लेना है कि हम लोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे और धरती को बचाएंगे। धन्यवाद। अमिताभ बच्चन करोड़ों साल जिए और उनकी प्रेरणा में हम लोग आगे बढ़ते रहें, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, बस यही कामना, यही दुआ करते हुए अमिताभ बच्चन को फिर से एक बार कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।